गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड बच्चों। मेरा नाम जेसिका है और आप सभी का हीरोज ऑफ द बाइबल सीरीज के सेकंड एपिसोड में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब हमारे हीरोज ऑफ द बाइबल सीरीज को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप सब एक्साइटेड होंगे आज के बाइबल हीरो को जानने के लिए। पर इससे पहले कि आज हम आज के बाइबल हीरो को जानें, तो चलो एक छोटी सी प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर से दिन के लिए। हम विनती करते हैं कि आज हमें जो कुछ भी सुनाया और सिखाया जाए, हमें सीखने में मदद करना। यीशु मसीह के अद्भुत नाम से मांगते हैं, आमीन। तो चलिए बच्चों, अब ये समय है आज के बाइबल हीरो को जानने का। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, तो क्या आप एक्साइटेड हैं कहानी सुनने के लिए? तो चलिए आज के बाइबल हीरो की कहानी हम एशली मैम के द्वारा सुनेंगे। हेलो बच्चों, ऑनलाइन VBS हीरोज ऑफ द बाइबल के दूसरे एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि हमारा इस बार का VBS का थीम है हीरोज ऑफ द बाइबल, आज हम एक ऐसे हीरो के बारे में सीखने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने पहले सुना भी होगा या ना भी सुना हो, और उस व्यक्ति का नाम है याबेस। आपको क्या लगता है बच्चों, याबेस कौन है, उसकी स्टोरी क्या है? क्या वो दाऊद जैसे एक बहुत बड़ा राजा था, या वो जोना जैसे एक बहुत बड़े ट्रेजेडी में फंसा था? याबेस के जन्म का समय था। याबेस के नाम का मतलब है पीड़ा या दर्द में। अब कौन से माता पिता अपने बच्चे का नाम ऐसे पीड़ा या दर्द रखता है? बट याबेस जिस अवस्था में पैदा हुआ था, उसकी माता ने यह सुन के उसका नाम याबेस रखा था। हम बाइबल में से एक आयत देखेंगे जहाँ पे ये लिखा है। अगर आपके पास अपनी बाइबल है तो क्या आप अपने बाइबल को खोल सकते हैं? और अगर आपको ये बुक नहीं पता है कहाँ है, तो आपके पेरेंट्स से आप ज़रूर पूछ सकते हैं। तो आइए हम एक आयत पढ़ेंगे साथ में। पहला इतिहास उसका 4 अध्याय उसका 9वां पद। पहला इतिहास 4 अध्याय उसका 9वां पद, उसमें क्या लिखा है? और याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ, और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। तो जैसा मैंने आपको इस कहानी के शुरू में बताया, याबेस की माँ ने उसका नाम इसलिए ऐसा रखा क्योंकि वो पीड़ा और दर्द में हुआ था। याबेस के और भी भाई थे, बट याबेस उन सब से अलग था। अब आप सोच रहे होंगे कि याबेस उनके भाई से कैसे अलग था। मैं आपको बताती हूँ, याबेस सबसे ईमानदार था, और याबेस की एक और विशेषता ये थी कि वो परमेश्वर पर आस्था रखता और रोज प्रार्थना करता। तो याबेस क्या प्रार्थना करता था? पहला इतिहास उसके 4 अध्याय उसके 10वें आयत में आपको पता है क्या लिखा है? उसमें ऐसा लिखा है, और याबेस ने इसराइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता, और जो कुछ उसने मांगा वो परमेश्वर ने उसे दिया। हाँ बच्चों, इस वचन में क्या लिखा है? याबेस ने जो भी परमेश्वर से मांगा वो परमेश्वर ने उसे पूरा करके दिया। तो मेरा आप लोगों से एक सवाल है, आज आप लोगों में से कितने जनों ने प्रार्थना किया? अगर आपने किया तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं भी किया तो ये कहानी जो आज हमने सुनी है वो मुझे और आपको प्रार्थना करना सिखाती है। जैसा याबेस का कैरेक्टर था, वो ईमानदार, परमेश्वर पे आस्था रखने वाला और रोज प्रार्थना करता था, परमेश्वर ने उसकी सारी प्रार्थनाएं सुनी। तो क्या हम ये कहानी अपने व्यक्तिगत जीवन में लागू कर सकते हैं? अगर हम ईमानदार, परमेश्वर पे आस्था रखने वाले और रोज प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और उन्हें उत्तर भी देगा। तो हमें कब कब प्रार्थना करना चाहिए? सुबह उठ के पहली चीज जो हमें करनी चाहिए वो है प्रार्थना। खाने से पहले, पढ़ाई करने से पहले, सोने से पहले हम कभी भी प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं जरूर सुनेगा। और हमें बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करने की जरूरत नहीं है, हमारी छोटी सी छोटी प्रार्थनाएं और इच्छा भी परमेश्वर सुनता है। तो आज हमने इस कहानी से प्रार्थना के इम्पोर्टेंस के बारे में सीखा।
मेरी यही प्रार्थना है कि मैं और आप और हम सब लोग हमारे जीवन में प्रार्थना को इम्पोर्टेंस दें और हम रोज परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु इस कहानी से आप सब लोगों को आशीष दें। आमीन। तो बच्चों, आज की स्टोरी से आपने क्या सीखा? आज की स्टोरी से हमने ये सीखा कि जिस तरह परमेश्वर ने यावेस की प्रार्थना सुनी, उसी तरह परमेश्वर हमारी भी प्रार्थना सुनते हैं। बस जरूरत है तो विश्वास से प्रार्थना करने की और मांगने की। पहला इतिहास 4:10, फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 4:10, याबेज ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसे बचाए रखता कि उससे पीड़ित न होता और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आज जो हमने स्टोरी सीखी याबेज की, कि न छोटी प्रार्थना न बड़ी प्रार्थना, पर जो विश्वास से की गई प्रार्थना है उसे आप सुनते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आपका हाथ हम पे सदा बनाए रखना। ये प्रार्थना दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो बच्चों, कल है हमारा क्राफ्ट एंड एक्टिविटी डे, तो कल के क्राफ्ट और एक्टिविटी के लिए जो भी सामान चाहिए है वो आपके स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए ताकि कल के क्राफ्ट में आप अच्छे से कर सकें। तब तक के लिए कीप वॉचिंग हीरोज ऑफ द बाइबल ओनली ऑन फिलाडेल्फिया किड्स चैनल। टेक केयर, बाय बाय।